Bismillahir Rahmanir Rahim. Pehla sawal hai, what is the other name of Muhammad Ali Bogra formula? Char option hai. First option hai New Law of Pakistan, second Pakistan report, option C hai third report aur option D hai constitutional formula. Dekhte hain iska durust jawab kya hai. Iska durust jawab hai constitutional formula. To Muhammad Ali Bogra formula ka dusra naam hai constitutional formula. Question 2 hai, when did Fatima Jinnah join All India Muslim League? Fatima Jinnah ne All India Muslim League kab join ki? 1939 1927 1947 or 1949. To isme se durust jawab kya hoga? Iska durust jawab hai 1939. Fatima Jinnah ne 1939 mein Muslim League ko join kiya. Question number 3 hai, Pakistan national flag was prepared by Abdul Rahman Chugtai, Liaqat Ali, Chaudhry Rehmat Ali, Amiruddin Kadwai. To iska durust jawab kya hoga? Iska durust jawab hai Amiruddin Kadwai. Pakistan national flag jo hai wo kisne taiyar kiya tha? Wo taiyar kiya tha Amiruddin Kadwai ne. Question 4 hai, Pakistan standard time was suggested by Liaqat Ali, Maulana Mazharuddin, Chaudhry Rehmat Ali, Professor Muhammad Anwar. To iska durust jawab hai Professor Muhammad Anwar. Pakistan ka standard time jo hai ye Professor Muhammad Anwar ne suggest kiya tha. Question 5, who invented the high language C? हाई लेवल लैंग्वेज सी जो है ये किसने इन्वेंट की? ऑप्शन ए टेनिस एम रिची, ऑप्शन बी निकोलस रेथ, ऑप्शन सी सैमुअल पेपर्ट, ऑप्शन डी डोनाल्ड कॉन्थ. तो इसका दुरुस्त जवाब है टेनिस एम रिची, ऑप्शन ए. Question 6, a fault in a computer program which prevent it from working correctly is known as. Computer programming mein koi fault aa jaye jisse computer theek kaam nahi karta to us fault ko kya kaha jata hai? Option A boot, option B bug, option C biff aur option D hai strap. Iska durust jawab hai bug, option B. Question 7, DOS stand for, DOS DOS stand for. DOS ka matlab kya hota hai? Disk operating system, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ओपन सिस्टम. तो इसका दुरुस्त जवाब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. क्वेश्चन 8, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन. विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है उससे कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट, स्कर्वी, हेयर फॉल. तो इसका दुरुस्त जवाब है नाइट ब्लाइंडनेस. क्वेश्चन 9 है, द सन ए स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉयड, मेटियोर. सन क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ए. क्वेश्चन 10, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज. यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी सिलिकॉन. तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन. क्वेश्चन 11, पुल यूर सॉक्स अप, इसका क्या मतलब होता है? इडियम है ये. इसका मतलब क्या है? टू गेट रेडी, टू फिनिश, टू स्टार्ट, टू इम्प्रूव. तो इसका दुरुस्त जवाब है टू इम्प्रूव. पुल यूर सॉक्स अप का मतलब है टू इम्प्रूव. क्वेश्चन 12, ऑनेस्ट नेस्ट मीन. अ बी हाउस, अ वायोलेंट सिचुएशन, अ गुड सिचुएशन, अ डेंजरस प्लेस. तो इसका दुरुस्त जवाब होगा अ वायोलेंट सिचुएशन. ऑनेस्ट नेस्ट का मतलब होगा वायोलेंट सिचुएशन. आफ्टर क्वेश्चन 13, द एंटोनाइम ऑफ पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल का एंटोनाइम बताना है. क्या होगा? सिक, ऑप्शन बी हेल्दी, ऑप्शन सी केमिकल्स, ऑप्शन डी सिलेक्टिव. तो इसका दुरुस्त जवाब है हेल्दी. पैथोलॉजिकल का एंटोनाइम जो है वो होगा हेल्दी. क्वेश्चन 14, ही इज़ वॉरिड डैश इज फ्यूचर. यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है. कौन सा दुरुस्त प्रीपोजिशन होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी अबाउट और ऑप्शन डी ए फ्रॉम.
तो वरेड के साथ हम कौन सा लगाते हैं प्रीपोजिशन? ये है ऑप्शन सी, अबाउट। ही इज़ वरेड अबाउट हिज फ्यूचर। क्वेश्चन 15, टका इज़ द करेंसी ऑफ। टका किस मुल्क की करेंसी है? भूटान की, बांग्लादेश की, इंडोनेशिया की या नेपाल की? तो इसका दुरुस्त जवाब है बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन 16 है, सबा इज़ द न्यू एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया, सीरिया, यमन या जॉर्डन? तो इसका दुरुस्त जवाब है यमन। सबा जो है ये यमन की न्यूज़ एजेंसी है। क्वेश्चन 17, द फर्स्ट नोबल प्राइज़ वॉज अवार्डेड इन। पहला नोबल प्राइज़ कब दिया गया? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1913। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1901। क्वेश्चन 18, वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, साइप्रस, डेनमार्क? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन 19, 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज। ऑप्शन ए लेबर डे, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट डे, ऑप्शन सी अर्थ डे, ऑप्शन डी प्रेस फ्रीडम डे? तो ये है अर्थ डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द हेड क्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन अमेस्टरडम, जेनीवा, लिस्बॉन, ऑस्ट्रिया? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेड ऑफिस कहाँ पे है? ये है अमेस्टरडम में। क्वेश्चन 21, व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी, हजरत इमाम बुखारी का नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन इस्माइल, ऑप्शन बी मोहम्मद इस्माइल, ऑप्शन सी मोहम्मद इब्राहिम, ऑप्शन डी इस्माइल बिन इब्राहिम? तो इसका दुरुस्त जवाब है मोहम्मद बिन इस्माइल। क्वेश्चन 22, के वीरा इज़ इन द डैश माउंटेन, गार हीरा जो है ये किसका पहाड़ में? अलसफ़ा, सिल, ओहद, अन्नूर? तो ये इसका दुरुस्त जवाब है अन्नूर। क्वेश्चन 23 है, द बुक ऑफ हदीस अल मुआवता वाज कंपाइल्ड बाई, अल मुआवता बुक जो है ये किसने लिखी? इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक? तो इसका दुरुस्त जवाब है इमाम मालिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24, इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड इस्तिलाम, सही, रमी, तवाफ? तो इसका दुरुस्त जवाब है इस्तिलाम। क्वेश्चन 25, बनू कुरैस, बनू नादिर एंड बनू कैनका वर थ्री ट्राइब्स ऑफ द मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज, नन ऑफ दी? तो इसका दुरुस्त जवाब